नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी और डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप स्टॉक के बारे में। सो गाइस, फिलहाल अगर यहाँ पे देखा जाए तो ब्राइटकॉम में फिर से दोस्तों अपर सर्किट मार्च के रुपये देखने को नजर आया है। पर इस बीच अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंटिन्यूसली मार्केट में देखने को कमेंट्स पर रख करके ये देखने को मिले कि कंपनी का क्वार्टर टू रिजल्ट जो है वो कब तक देखने को मिल सकता है, और साथ साथ इसका जो टारगेट है वो किस प्रकार का बन सकता है, और कल के मार्केट को लेकर अभी के टाइम क्या अपडेट रहने वाली है, और अभी के टाइम हम लोग को फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए या नहीं, तो इसके पीछे क्या बड़ी वजह होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों प्राइस अगर आज के ओपनिंग की अगर बात करना चाहूँ तो 15.25 रुपये के साथ आज मार्केट ओपन देखने को नजर आया था। गिरावट अगर देखी जाए तो 14.5 रुपये तक देखने को नजर आया था, और 16 रुपये पर आज का जो है बड़ा जंप देखने को नजर आया था, और इसी पर दोस्तों क्लोजिंग देखने को नजर आई थी। पर इस बीच देखा जाए तो 0.5% रिटर्न पर आज जो है तेजी यहाँ पर बढ़ती हुई देखने को नजर आई थी, जिसमें 75 पैसे की जो तेजी थी वो आज मार्केट पर देखने को नजर आई। पर इस बीच अगर दोस्तों देखा जाए तो कंपनी में लगातार जो थे पिछले टाइम से उतार चढ़ाव काफ़ी देखने को मिले। अगर देखा जाए तो हाईएस्ट जो प्राइस अगर हम इस चीज़ प्राइस को वॉच करें तो 17.15 रुपये के प्राइस से अगर देखा जाए तो मार्केट दोस्तों 14.5 रुपये तक अगर गिरा हुआ है, और उसी के साथ साथ रिटर्न में अगर गिरावट की अगर मैं बात करना चाहूँ तो 6.16% की जो रिटर्न अभी के टाइम पर दोस्तों नेगेटिव देखने को मिल रही है, गिरी हुई देखने को मिल रही है। लास्ट एक महीने की अगर बात की जाए तो दोस्तों उसमें और भी जो डेटा है वो काफ़ी नेगेटिव रहने वाला है। साथ ही साथ अगर यहाँ पर देखा जाए तो मार्केट की जो प्राइस है 19 रुपये से अगर देखा जाए तो 15 रुपये 14.5 रुपये तक जो है मार्केट पर जो गिरावट है वो यहाँ पे देखने को आज के देखने को नजर आई। पर इस बीच अगर यहाँ पे गिरावट में देखा जाए तो कंपनी में जो है मार्केट कैप में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, और अभी के टाइम दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप की अगर बात की जाए तो 3231 करोड़ का जो है मार्केट कैप यहाँ पे रहने वाला है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कंपनी की प्रॉफिट की जो ग्रोथ थी उसमें थोड़ी गिरावट नजर आई, सेल्स की ग्रोथ में फिर काफ़ी अच्छा सुधार देखने को नजर आ रहा है। पर अभी के टाइम दोस्तों कंटिन्यूसली मार्केट में देखा जाए तो फ्रेश एंट्री जो है वो अभी के टाइम काफ़ी अच्छी बनती हुई नजर आ रही है, तो ये शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी अच्छा गुड डिसीजन होने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर लास्ट 6 महीने का अगर डेटा अगर देखा जाए तो तेज़ी आप देख सकते हैं कि 0.35 रुपये तक मार्केट जंप करता हुआ भी देखने को नजर आया। पर अभी यहाँ पे देखा जाए तो ऑपरेटर्स का जो गेम है दोस्तों ब्राइटकॉम में पूरी तरीके से खेलता हुआ देखने को नजर आ रहा है, और बम्प और डंप का खेल दोस्तों आपको पता हुआ कि किस प्रकार से देखने को एक्टिव नजर आ रहा है। पर अभी के टाइम देखा जाए तो कंपनी के क्वार्टर टू के रिजल्ट को लेकर अब तक जो है ब्राइटकॉम की तरफ से कोई भी जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है। जहाँ तक देखने को मिल रहा है कि दोस्तों कंपनी का जो डेटा है 6 से 7 नवंबर तक आ सकता है, फाइनल जो है अनाउंसमेंट यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि दोस्तों 14 नवंबर के पहले पहले सभी कंपनियों को क्वार्टर टू का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे जारी करना अनिवार्य है, ये फाइनल डेट होने वाली है। तो जहाँ तक अगर देखा जाए तो कंपनी का जो डेटा है वो काफ़ी पॉजिटिव बढ़ सकता है, और साथ ही साथ अगर यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी में लगातार तो जो डेटा था वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर निकल के आया था। पर अभी टाइम आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि फिलहाल दोस्तों जितना हो सके पेशेंस के साथ अगर हम यहाँ पर होल्ड रखते हैं तो तेज़ी तो अच्छी खासी इंक्रीज़ हो गई, पर प्रॉफिट भी हम लोग को काफ़ी अच्छा देखने को नजर आएगा। तो फिलहाल जितना हो सके दोस्तों अभी टाइम होल्ड यहाँ पे रखें। फिलहाल दोस्तों आप लोगों को बेसिक जानकारी की और बेसिक फंडामेंटल की ओर लेकर चलो, उससे पहले बता दूं चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों फिलहाल अगर कंपनी के बेसिक फंडामेंटल्स की अगर बात की जाए, कारोबार की अगर बात की जाए, तो दोस्तों कारोबार जो देखने को नज़र आ रहा है 1,32,83,251 शेयर का आज का जो कारोबार है वो यहाँ पे देखने को नज़र आया था। और साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों आज फ्रेश एंट्री फिर से मार्केट में काफ़ी अच्छी बढ़ती हुई देखने को नज़र आई है। पर इस बीच अगर ट्रेड वैल्यू की अगर मैं बात करना चाहूँ तो 2,003 लाख की जो है ट्रेड वैल्यू आज के मार्केट पर देखने को मिली है। साथ ही साथ दोस्तों अभी के टाइम देखा जाए आज की डिलीवरी जो रहने वाली है दोस्तों 49.24% की। पर इस बीच अगर यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों उतार चढ़ाव भी कंपनी में काफ़ी ज़्यादा देखने को नजर आए थे, और अभी के टाइम देखा जाए तो कंपनी में लगातार जो है पिछले टाइम से गिरावट देखने को मिली। पर उसके विपरीत अगर दोस्तों इंडियन मार्केट को अगर देखा जाए तो दोस्तों उस पर भी दोस्तों बड़ी जो गिरावट है वो यहाँ पर कंटिन्यूसली देखने को मिल रही है। अगर देखा जाए तो 265 अंकों तक दोस्तों Nifty 50 पर बड़ी गिरावट यहाँ पर रहने वाली है, और 820 अंकों के आसपास दोस्तों BSE Sensex पर आज गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। तो फंडामेंटल काफ़ी पॉजिटिव है। पर अभी के टाइम देखा जाए तो मैं दोस्तों आप लोग को रेकमेंड करने वाला हूं कि जितना हो सके दोस्तों पेशेंस के साथ अगर हमें होल्ड बनाते हैं तो तेजी अच्छी खासी बन सकती है। फिलहाल चार्ट एनालिसिस की ओर लेकर चलता हूं। तो दोस्तों फिलहाल अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी के चार्ट संकेत की अगर बात की जाए तो दोस्तों मार्केट में जो है दोस्तों जो सेलिंग ऑर्डर थी वो भी काफ़ी देखने को नजर आई, पर क्लोजिंग की अगर बात की जाए तो ओपनिंग दोस्तों काफ़ी नेगेटिव देखने को नजर आई, पर क्लोजिंग काफ़ी ज़्यादा बेटर और पॉजिटिव देखने को नजर आई। पर इस बीच अगर यहाँ पर देखा जाए तो हम अगर दोस्तों कंपनी के चार्ट कैंडल्स की अगर बात की जाए तो दोस्तों उस पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है डेटा नेगेटिव भी रहने वाला है और पॉजिटिव भी यहाँ पर रहने वाला है। सबसे पहले अगर दोस्तों डेटा अगर देखा जाए तो उसमें काफ़ी बेटर जो डेटा है वो यहाँ पर निकल के आ सकता है, पर जो है
लगातार दोस्तों नीचे के लेवल को यहाँ पे मार्केट टच करता हुआ नजर आ रहा है। कंटिन्यूसली अगर यहाँ पे देखी जाए तो मार्केट में दोस्तों गिरावट डे बाय डे में बढ़ती हुई नजर आई है। फिलहाल लास्ट फंडामेंटल्स अगर यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों 35 रुपये तक मार्केट पर जो जंप थी वो यहाँ पे देखने को नजर आई। उसके बाद देखा जाए तो दोस्तों लगातार जो है मार्केट पर जो गिरावट है वो यहाँ पे देखने को नजर आई। फिलहाल दोस्तों आपकी नज़र में इस शेयर की और कोई बेसिक जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई यदि वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। जो भी चैनल पर नया है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।